नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। आज दिनांक 20 दिसंबर 2021 को हजारीबाग कृष्ण बल्लभ आश्रम कांग्रेस कार्यालय के हॉल में संगठित व असंगठित मजदूर यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दुबे व उनके सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर अभिनंदन व स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश इंटक के उपाध्यक्ष शाह, AICC के मेंबर श्री भीम कुमार व इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता इंटक के प्रदेश सचिव श्री विजय कुमार यादव व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हजारीबाग युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र यादव व कार्यकारिणी के सदस्य श्री जमुना यादव, श्री अशोक देव ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वागत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भीम कुमार ने कहा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ था गठन। इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को की गई थी। तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य जेबी कृपलानी ने इसके पहले अधिवेशन का उद्घाटन किया था। अधिवेशन में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, शंकर राव देव, जगजीवन राम, बीजी खेर, ओपी मेहताब, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, रामचंद्र सखाराम रुईकर, मणिबेन पटेल आदि मौजूद थे। देश का नंबर एक श्रमिक संगठन बनकर उभरा आजादी के सिर्फ 3 महीने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 3 मई 1947 को की गई। काफी पहले यह महसूस किया जा रहा था कि कांग्रेस का अपना एक श्रमिक संगठन होना चाहिए। तब श्रमिक क्षेत्र में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक ही एकमात्र था, लिहाजा सुरेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इंटक का गठन हुआ। 3 महीने बाद जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी। सत्ता का साथ और शुरुआती नेताओं की महंत से कांग्रेस ने जल्द ही अपना अलग मुकाम तय किया। बैंकों, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ने इसे और ऊंचाई दी और यह देश का नंबर एक श्रमिक संगठन बनकर उभरा। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।